इस वक्त हम रायगढ़ जिला तमना रायगढ़ छत्तीसगढ़ रोड़ोपाली गांव में हैं, जो कि ये रोड़ोपाली पंचायत भवन आप देख सकते हैं। यहाँ एकदम टूटे फूटे दिख रहा है, यहाँ साइंस वाणी के माध्यम से ये पूरा शान घाट की तरह दिख रहा है। आप देख सकते हैं साइंस वाणी के माध्यम से यहाँ पूरा शान घाट की तरह दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है कि ये देख सकते हैं। यहाँ दिखाएंगे, ये बोर है टंकी का, रोड़ोपाली का। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार देहरी है। जी, ये जो पंचायत भवन है शान घाट की तरह दिख रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे गांव रोड़ोपाली का पंचायत भवन तो है ही नहीं लगता है, ये तो शमशान घाट है जी, और ये खंडहर है। अब मैं जब से जा रहा हूँ तब से तो खंडहर है। तो सर जो ग्राम सभा कहाँ बैठे जाते हैं सर? ग्राम सभा मंदिर परिसर में बैठा जाता है। जी जी, ये कितने वर्ष से खंडहर हो चुका है सर? जब से मैं जानता हूँ तब से ग्राम पंचायत खंडहर है। जी जी जी, ये पानी टंकी के बारे में और ये नाली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सर? पानी टंकी का तो बात ही मत कीजिए, पानी टंकी तो पंचायत के अंडर में आता ही नहीं जैसे लगता है, क्योंकि सारा काम तो लोकल जो यहाँ के हैं वार्ड मेंबर लोग। जी जी, वार्ड मेंबर बोले तो एक ही वार्ड मेंबर है जी, उसके हिसाब से मतलब बनाया जाता है जी। लोग कलेक्शन करते हैं पैसा, चंदा करके टंकी में पानी डालते हैं बोर। तो हर साल की भांति ऐसे चंदा करते रहते हैं सर? हमेशा, मैं तो जब से देख रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है। जी जी, तो गांव में प्रमुख आदमी होता है, जैसे सरपंच हो गए, पंच हो गए, सचिव हो गए, उन्होंने आज तक इनको ध्यान नहीं दिया क्या? अब उनका तो वही जाने, लेकिन मेरे जानकारी में तो यह सब नहीं है। जी जी जी, बाकी मैं जब से जा रहा हूँ तब से तो चंदा करके ही बनाया जा रहा है। जी जी, तो इसके बारे में शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बिल्कुल, संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायत के अंदर में कोई कार्य होता है, विकास कार्य, तो निश्चित रूप से सचिव और पंच सरपंच, सिर्फ सरपंच नहीं पंच को भी ध्यान देना चाहिए। अपने वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी सरपंच को देना चाहिए और सचिव को देना चाहिए। जी जी जी, और पंचायत के मद से फंड से जो भी होता है उसी से रिपेयरिंग कराना चाहिए। जी जी जी, पर मैं क्या कहना है, क्या समस्या है आपको? ये परेशानी छे सब जिला। हाँ, का के परेशानी है सर? सचिव के चक्कर में मैं तो सचिव ला हमरा हूं ना, पीठ हूं चुको दिन मोर बाई था। जी जी, मैं सीधा कोई यहां तो काम धाम नहीं करे थे का सर? आप कल कर ही वो तो कछु नहीं सुने। अच्छा, बिल मांग, बिल दे ले, चेक ले देते, ये देख लागे कब बिल मांग से सचिव जो। अच्छा, तो के साल हो गई इसने तुमन बिल देते जाता हो, पैसा नहीं देते जाते? दो तीन साल तो इसने। हाँ, और भी हैं यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी लेते हैं। तो कीचड़ की तरह दिख रहा है रोड में, इसमें नाली बनना चाहिए, जो कि सचिव आज तक ये नाली को प्रस्ताव नहीं किया गया। पंचायत में भी उस दिन इस आवाज़ को उठाया गया था पब्लिक द्वारा, लेकिन इसको आवाज़ नहीं उठा। तो जानकी हरवानी प्रेमानंद देहरी। जी जी सर, ये जो दिख रहा है ये एकदम कीचड़ की तरह और पानी नहीं चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कीचड़ का तो सफाई पंचायत का काम है, पंचायत का काम है, लेकिन नाली बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो ये पानी टंकी, पब्लिक का कहना है कि हम लोग बोर बनाते हैं चंदा उकार के और पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है, बिल भी देते हैं, ऐसे बोला जा रहा है पब्लिक द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना है? सचिव वैसे छे कि कैसे है? सचिव छे सही है, सचिव जो बिल को नहीं देते होंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं जो नहीं दे रहा है जो? नहीं, ये लोग तो दिए हैं ग्राम सभा में उस दिन, इन पब्लिक का कहना है, लेकिन आज तक इनको बिल दिया गया ना, आज तक बोर नहीं बना है। तो 15 दिन हो गया ना अभी, नहीं ज़्यादा हो गया, नहीं बना है, बोर नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो बनाना चाहिए पब्लिक की सुविधा के लिए, पानी जी जी के लिए। तो इस वक्त के नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड पानी टंकी की समस्या को लेके पब्लिक लोगों का कहना है कि जो यहाँ है बोर, ये हम लोग चंदा करके बनाते हैं, तो पंच जो हमारे पंच हैं इनसे जानकारी लेते हैं। जी आप उनके कहा नाम है जी? प्रार्थिया जी, तो बोर कब लेनी बना थे? 15 ही हो गए, इतने नहीं चला थे। हमन तो पंचायत लग के था के नहीं, ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो जो शान घाट की तरह दिखता है पंचायत भवन, एक बारे में कहना है?
चला सचिव सरपंच पोतवा एक ने जल्दी से जी एकदम टूटे फाटे है टूटी फाटी से जमा जाइत करी से कोई ध्यान नहीं दे पब्लिक कहत है कि ओ दिन हमन बिल भी देन तभी वो पैसा ला अभी तक नहीं दिस है और हर साल हमन बिल मतलब अपन पैसा ला चंदा उठा के बनाथन करते हैं ये सही बात है कि किसे सही बात है दो तीन बार तो बरार दे चुके ने